आप लोगों ने जरूर 500 एरर तो नोटिस किया होगा कहीं ना कहीं, लेकिन ये 500 एरर होता क्या है, आइए समझ लेते हैं इस छोटे से वीडियो में बहुत जल्दी से। 500 एरर का मतलब इंटरनल सर्वर एरर होता है। ये सर्वर साइड एरर है जो तब आता है जब सर्वर कोई अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम फेस करता है और क्लाइंट को रिक्वेस्टेड रिसोर्स प्रोवाइड नहीं कर पाता। इसका मतलब यह होता है कि कुछ गलत हो रहा है सर्वर के अंदर, लेकिन सर्वर को एग्जैक्ट इश्यू समझ नहीं आ रहा है या फिर वो एरर को हैंडल नहीं कर पा रहा है। क्या होता है, क्या होते हैं कॉमन कॉजेज ऑफ 500 एरर? पहला है सर्वर कॉन्फ़िगरेशन इश्यूज। अगर सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम है, जैसे इनकरेक्ट सेटिंग्स या सर्वर रिसोर्सेस प्रॉपरली एलोकेट नहीं किए गए हैं, तो ये इशू आ सकता है। दूसरा, एप्लीकेशन कोड बग्स। अगर सर्वर साइड एप्लीकेशन कोड में कोई बग या एरर है जो रिक्वेस्ट को हैंडल करते वक्त इशू क्रिएट कर रहा है, तो भी आ सकता है एरर। तीसरा, डेटाबेस एरर्स। अगर सर्वर को डेटाबेस से डेटा फेच करने में प्रॉब्लम आ रही हो, जैसे डेटाबेस डाउन हो या कनेक्शन इश्यूज, तो भी आ सकता है। चौथा है मेमोरी या रिसोर्स एग्जॉशन। अगर सर्वर के रिसोर्सेस जैसे मेमोरी, सीपीयू, डिस्क स्पेस खत्म हो गए हैं या ओवर यूटिलाइज्ड हैं, तो ये एरर जनरेट हो सकता है। फिर फाइल परमिशंस। जी हाँ, मैंने बताया था कि फाइल परमिशंस जो नॉर्मली आता है पिछले वीडियो में 403 एरर आता है, लेकिन अगर सर्वर को कोई रिक्वायर्ड फाइल या डायरेक्टरी एक्सेस करने में परमिशन इश्यूज हैं, तो भी ये एरर आ सकता है। 403 तो परमिशन एरर है, लेकिन ये भी आ सकता है कुछ केसेस में, डिपेंड करता है कैसे हैंडल किया गया है एरर्स को। एग्जाम्पल देखते हैं इसे अच्छी तरह से समझने के लिए। अगर तुम्हारी वेब एप्लीकेशन रिक्वेस्ट को प्रोसेस करते वक्त सर्वर साइड कोड में कुछ इश्यू हो गया, तो तुम्हें ये एरर मैसेज मिल सकता है, 500 इंटरनल सर्वर एरर। द सर्वर एनकाउंटर्ड एन एरर एंड वॉज अनेबल टू कंप्लीट योर रिक्वेस्ट। हाउ टू फिक्स, कैसे फिक्स कर सकते हैं इसे? एक तो चेक सर्वर लॉग्स देखकर एरर का रूट कॉज समझ सकते हो। डीबग एप्लीकेशन कोड का डीबगिंग करना जरूरी होता है जब कोई बग या एरर हो। फिर चेक सर्वर कॉन्फ़िगरेशन जैसे अपाचे, एनजीएक्स एक्सेट्रा, इनको चेक करके एंश्योर करो कि सब कुछ प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है। डेटाबेस हेल्थ, डेटाबेस के स्टेटस को चेक करना और एंश्योर करना कि कनेक्शन ठीक से इस्टेब्लिश हो रहा है। ये एरर मोस्टली सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर या डेवलपर को फिक्स करना पड़ता है, क्योंकि ये सर्वर साइड का इश्यू होता है। उम्मीद है कि आपको समझ आया 500 एरर क्या होता है। कोई भी क्वेरी आपके मन में कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, आप लिख दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोस इस चैनल पर आते रहें, तो लाइक एंड शेयर करके सपोर्ट जरूर करें इस चैनल को। जिस किसी ने भी बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, प्लीज कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने पर ही आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती हैं, वरना हो सकता है कि काफी सारे वीडियोस आप मिस कर जाएं। वैसे वीडियोस और प्लेलिस्ट सेक्शन में देख सकते हैं वो। यहाँ कुछ वीडियोस मैं आपके लिए छोड़कर जा रहा हूँ जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही। गुड बाय।